हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज अपने सामने है ना फॉक्स वैगन की टाइगुन, और ये जो गाड़ी है ना, मतलब यार इसमें आपको इतनी पावर मिल जाती है ना 1.5 लीटर पेट्रोल में, मैं आपको क्या ही बताऊं। जो अपने सामने है ना, इसका जीटी लाइन वेरिएंट है और इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है। तो यार ये गाड़ी ना इस सेगमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा पावरफुल बोलूँ मैं इस गाड़ी को, इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना। और नाम जो जुड़ जाता है यार वॉक्स वैगन, तो उसके सामने क्या ही है। पहले इनकी पोलो आती थी यार, उसमें देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा पावर थी, उसकी जगह विटस निकाल दिया। अगर आपको विटस की वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे जाके विटस की वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए 2 सेकंड निकाल के। आज मैं आपको इस कार का फुल डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर का। और अगर आपको कोई सी भी कार चाहिए हो सस्ते प्राइस में, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस कार के डिटेल वॉक अराउंड से। तो यार पहले इस कार की बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके की की मिलेगी, लॉक अनलॉक और बूट स्पेस ओपन करने का एक बटन मिल जाएगा, बाकी फ्लिप की मिल जाती है। ये आप देख रहे हैं पीछे आपको वॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है। की काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नहीं बोलूँगा, नॉर्मल की लग रही है, एकदम किसी नॉर्मल कार की हो, पर अपने सामने भाई टाइगुन है, इसकी है ये की। तो यार काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है फ्रंट से। पहले फ्रंट की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इंटीरियर में भी चलेंगे, एक एक करके हर जगह की बात करेंगे इस कार की, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यार पहले इसकी हेडलाइट की बात कर लेते हैं कि हेडलाइट में क्या क्या ऑफर करती है कंपनी आपको। तो मैं एक बार आपको हेडलाइट का सेटअप दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, LED में ही हेडलाइट का सेटअप मिलेगा, बाकी ऊपर की साइड में आप DRL देख रहे हैं, आपको छोटी सी DRL मिल जाएगी, नीचे टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। फॉग लैंप की बात करूँ तो फॉग लैंप आपको देख सकते हैं LED में मिलेगा, बाकी ये क्रोम पार्ट दे दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है इससे गाड़ी। नीचे की साइड में कोई भी पार्किंग सेंसर नहीं मिलेगा, ये आपको देख सकते हैं ग्रिल मिल जाएगी, क्रोम का एलिमेंट यूज़ कर दिया है, वॉक्सवैगन का लोगो आ जाता है। बाकी ये GT है, तो GT आपको बैजिंग मिल जाती है इस कार के अंदर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि या आप क्रेटा लेना चाहेंगे, सेल्टॉस लेना चाहेंगे, या फिर आप वॉक्सवैगन की टाइगुन लेना चाहेंगे, तीनों में आप कौन सी आपको ज़्यादा पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो यार साइड से काफ़ी ज़्यादा सही लगती है गाड़ी, इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं बोलूँगा मैं इस कार को। और टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो 205/55R17 17 इंचिस के इसके अंदर आपको एलॉय व्हील मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप, और ये आपको रेड कैलिपर मिल जाएंगे इस कार के अंदर। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है रेड कैलिपर, मुझे तो अपने हिसाब से बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी इस कार के अंदर मैं आपको एक बार ग्राउंड क्लियरेंस और दिखा देता हूँ। तो यार आपको 188 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है इस कार के अंदर, बाकी क्रेटा और सेल्टॉस के अंदर आपको 190 mm की मिलेगी, तो 2 mm कम इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी ORVM की बात करें तो फोल्डेबल अनफोल्डेबल होगा वेलकम फंक्शंस के साथ। बाकी ये GT की बैजिंग आ जाती है जो आप देख रहे हैं, क्रोम का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा गया है इसके अंदर क्रोम पार्ट का। बाकी ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है इधर की साइड में। ये जो आप डोर हैंडल्स पे देख रहे हैं, डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर के ही मिलेंगे, ये जो आप डोर हैंडल्स देख रहे हैं, बाकी आपको क्रोम का एलिमेंट यूज़ करा हुआ मिल जाएगा डोर हैंडल्स पे। 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है इस कार के अंदर। और ऊपर की साइड की बात करें तो रूफ रेल आ जाती है आपकी, बाकी एक सनरूफ आ जाता है, पैनोरामिक सनरूफ इस कार के अंदर नहीं मिलता, और एक शार्कफिन एंटीना आ जाता है। बाकी आपको क्रेटा और सेल्टॉस के अंदर शार्क देख सकते हैं, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। अब एक बार रियर प्रोफाइल की बात करें ना, तो यार रियर प्रोफाइल से देखो कनेक्टेड टेल लाइट और ये सब, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया लगती है यार ये कार। एक बार को मैं कहूँ तो यार, मतलब मुझे ना अपने पर्सनली बोलूँ ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और रियर में एक बार दिखा देता हूँ, ये आपका वाइपर आ जाता है, ऊपर की साइड में अपर स्टॉप लैंप आ जाता है, और आपको डिफॉगर मिल जाता है, ये आपकी वॉक्सवैगन का लोगो आ जाता है, बाकी ये टाइगुन लिखा हुआ मिल जाता है, और GT की बैजिंग आ जाती है, GT वेरिएंट है। तो अब बूट स्पेस की बात करें तो 385 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, बाकी क्रेटा और सेल्टॉस के अंदर 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। बाकी देख सकते हैं टूल किट आ जाती है, और एक बार आपको स्पेयर व्हील दिखा देता हूँ, 16 इंचिस का स्पेयर व्हील मिलता है, वही सेम आपको क्रेटा और सेल्टॉस के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, 16 इंचिस का ही देखने के लिए मिलता है, 1 इंचिस कम देते हैं ये लोग पता नहीं क्यों, मैं तो कहता हूँ कि यार 17 का ही दे देना चाहिए। बाकी फर्स्ट एड किट आ जाती है, और ये हेलोजन का एक बल्ब आ जाता है आपको देख सकते हैं, बाकी एक पार्सल ट्रे भी मिल जाती है इस कार के अंदर आपको देख सकते हैं आप, मैंने दिखा भी दी थी आपको। अब एक बार और दिखा देता हूँ, टाइगुन की बैजिंग आ जाती है, GT लिखा हुआ मिल जाता है, और ये आपको एक कैमरा मिल जाता है, बाकी चार पार्किंग सेंसर्स इस कार के अंदर आते हैं, बाकी क्रेटा और सेल्टॉस के अंदर चार चार मिल जाते हैं आपको। अब एक बार इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं, इंटीरियर में क्या क्या ऑफर करती है कंपनी, एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ। पहले आपको गेट दिखा देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सॉफ्ट टच आ जाता है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और ये आपका हार्ड प्लास्टिक का यूज़ कर दिया है इस कार के अंदर। बाकी ये डोर्स के हैंडल्स आ जाते हैं, और ये लॉक अनलॉक के लिए आ जाता है।
और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको चारों विंडोज के कंट्रोल और ORVM के कंट्रोल इधर की साइड में मिलते हैं, तो यहाँ से आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं ORVM। बाकी नीचे की साइड में बोतल होल्डर का स्पेस आ जाता है और ये स्पीकर की आपको यहाँ की जगह मिल जाती है। बाकी सीट्स की बात करें तो लेदर और फैब्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है सीट्स में इस कार के। हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाएगी आपको, ड्राइवर साइड वाली हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलेगी इस कार के अंदर। अब एक बार इंटीरियर में बैठ जाते हैं और इंटीरियर की बात कर लेते हैं इस कार के। इंटीरियर में क्या क्या ऑफर करती है कंपनी? गाइस अब इस कार के इंटीरियर में है भैया, इंटीरियर तो यार ऐसा लग रहा है ना इस कार का कि मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी क्लासी सी कार में बैठा हूँ मैं। जैसे क्रेटा के अंदर भी बैठता हूँ, सेल्टॉस के अंदर भी बैठता हूँ, तो मुझे यार ऐसी फीलिंग नहीं आती कि भाई मैं किसी बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस कार के अंदर बैठा हूँ। बट अब मैं इसके अंदर बैठा हूँ ना, तो मुझे यार ऐसा लग रहा है कि भाई कितनी ज़्यादा महंगी कार के अंदर बैठा हूँ भाई। टाइगन यार इतनी बढ़िया गाड़ी है ना इंटीरियर में, तो आपको क्या ही बताऊँ। और आपको पता ही है यार वॉल्क्सवैगन का यार क्या ही बताऊँ, क्या ही कहना है। बाकी आप इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या ऑफर करती है कंपनी आपको। तो ये जो स्टेयरिंग है ना, ये आपको लेदर रैप्ट मिलेगा। स्टेयरिंग पे आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये सब आपके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये आपका क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, ये सब आप देख रहे हैं। ये आपको वॉल्यूम इंफोटेनमेंट सिस्टम का, यहाँ से वॉल्यूम भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से म्यूजिक आपको आगे नेक्स्ट करना है तो यहाँ से आप चला सकते हैं। बाकी ये आपको देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। यार ये देखो, लाइट्स देख रहे हो ना आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। यहाँ से आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपकी कंट्रोल हो जाएंगी, ये जो आप देख रहे हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो डिजिटल, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको यार, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं इधर की साइड से आपके देख सकते हैं, ये टर्न इंडिकेटर के सिग्नल आ जाते हैं ये जो आप देख रहे हैं। जर्मन कार में क्या होता है ना, जर्मन कार में जो वाइपर्स के कंट्रोल होते हैं वो राइट साइड में होते हैं, और जो देख सकते हैं इंडिकेटर के कंट्रोल होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं। बाकी आपने देखा होगा नॉर्मल कार्स में, उधर इधर की साइड में आपके देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये इसके वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं। बाकी आपको स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर देख सकते हैं टेलीस्कोपिक ही मिलेगा, टिल्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपको इस कार के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से इसकी लाइट्स यहाँ से ऑन होती हैं जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से इसकी लाइट्स ऑन होती हैं ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऑन होती हैं इसकी लाइट्स ये जो आप देख रहे हैं। बाकी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट लेवल कर सकते हैं, अप डाउन कितना आपको करना है। बाकी यार ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, यहाँ से गेट लॉक हो जाते हैं, अनलॉक हो जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर लगता है। ये आपको 10 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि सपोर्ट करेगी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड कारप्ले, नेविगेशन, सब कुछ ये इसके अंदर आपको सपोर्ट करती है ये डिस्प्ले। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी डिस्प्ले है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं। व्हीकल स्टेटस भी आ जाता है इसके अंदर आपका, ये आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपकी, ये सब सपोर्ट करती है आपकी डिस्प्ले। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है मैं आपको बताऊं, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑफ हो गया, ऑन कर सकते हैं यहाँ से। बाकी नीचे की बात करें, नीचे आपके देख सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल आ जाएंगे ये जो आप देख रहे हैं। सॉरी, एक टच में ही ना पूरा AC मैक्स हो गया यार एकदम, मतलब क्या ही बताऊँ। एक टच मैक्स करते ही फुल एकदम भाई, मतलब यार फैन की स्पीड फुल एकदम फुल हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स का कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। बाकी ऑटोमेटिक AC मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल AC मिल जाता है इस कार के अंदर, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और ये सब आपके टच कंट्रोल्स हैं, कोई भी बटन्स नहीं है। जो आप AC के कंट्रोल देख रहे हैं सब आपके टच कंट्रोल्स हैं। बाकी नीचे की बात करूँ तो नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, और ये आपको दो टाइप सी के पोर्ट मिल जाते हैं, देख सकते हैं। इसके अंदर आपको USB का पोर्ट नहीं मिलता। बाकी ये 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। यहाँ की साइड में आपको एक 12-volt का पावर सॉकेट मिल जाता है, और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इसका यहाँ की साइड में मिलता है। बाकी कार्स में आपने यहाँ की साइड में देखा होगा, इसके अंदर आपको यहाँ मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं मैनुअल हैंडब्रेक आ जाता है आपका, और ये आर्मरेस्ट जो है ये सॉफ्ट टच में आपका आर्मरेस्ट आ जाता है विद सम स्टोरेज, लिटिल स्टोरेज के साथ आ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसका ग्लोव बॉक्स आ जाता है, इसके अंदर आपको कूल ग्लोव बॉक्स मिल जाता है ये जो आप देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और डैशबोर्ड की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक का यूज़ कर रखा है डैशबोर्ड पे हर जगह। यहाँ ये भी आप देख रहे हैं, ये
सॉफ्ट टच नहीं है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, सब हार्ड प्लास्टिक का यूज कर रखा है। बाकी यहाँ की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं इसका आई आर वी एम आएगा, तो ये ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ की साइड में टिकट होल्डर आ जाता है, ये जो आप देख रहे हैं एक वैनिटी मिरर आ जाता है। बाकी ये सारे देख सकते हैं केबिन लाइट्स, एक बार मैं दिखा देता हूँ, एलईडी में केबिन लाइट्स होगी। इसके अंदर आपको कोई भी सनग्लास होल्डर का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी एक ये सनरूफ आ जाता है, जो कि इस कार के अंदर पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए नहीं मिलता हमें। ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें नॉर्मल सनरूफ आता है, कोई भी पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता। और ये देख रहे हैं आप यहाँ की साइड में ग्रैब हैंडल आ जाते हैं। बाकी अब एक बार रियर सीट पे चलते हैं, फिर मैं आपको इसका बोनेट ओपन करके दिखाता हूँ, कार ऑफ कर देते हैं। एक बार इस कार की रियर सीट पे चलते हैं। तो यार रियर सीट पे बैठ के ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीलिंग आ रही है यार, एकदम मतलब क्या ही बताऊँ, मज़े आ जाते हैं यार। और कंफर्टेबल बहुत है इसकी सीट, सही बताऊँ ना, मतलब यार थाई सपोर्ट देखो मेरा, एकदम इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ना सीट्स इसकी, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब मज़े ही आ गए बैठ के इसके इंटीरियर में। ऊपर की साइड में ग्रैब हैंडल आ जाएगा, ये आपका डोर लॉक अनलॉक के लिए आ जाएगा। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना ये इसके विंडोज़ के कंट्रोल आ जाता है, नीचे आपको एक बोतल होल्डर का स्पेस मिल जाता है। बाकी यार सीट्स सच में मैं बोलूँगा इस गाड़ी की कंफर्टेबल है, और लेदर सीट्स मिलेगी आपको, लेदर और फैब्रिक का दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाएगा सीट्स पे आपको इसकी। ये आपके दो एसी के वेंट्स आ जाते हैं, नीचे की साइड में आप देख सकते हैं टाइप सी पोर्ट का एक दो वो आ जाते हैं, पोर्ट आ जाते हैं। नीचे आपको हम्प की बात करें ना, ज़्यादा ऊँचा हम्प नहीं है इस गाड़ी के अंदर, छोटा सा ही हम दे रखा है। बाकी एक केबिन लाइट आ जाती है, जो आप एलईडी में देख रहे हैं केबिन लाइट आ जाती है, दो आपकी केबिन लाइट मिल जाएगी इस कार के अंदर। और हेडरेस्ट की बात करें ना तो पांच हेडरेस्ट मिलते हैं यार, मिडिल वाले के लिए भी इसमें हेडरेस्ट दे दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये इसका आर्मरेस्ट आ जाता है, आपको दो कप होल्डर के साथ इसमें स्पेस मिल जाता है इसके आर्मरेस्ट में, तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब इस कार की सेफ्टी की बात करें ना, सेफ्टी में आपको इस कार के अंदर 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, ABS मिल जाएगा, EBD मिल जाएगी। बाकी ग्लोबल एनकैप ने इसे 5-स्टार रेटिंग दिया है यार, 5 में से 5-स्टार रेटिंग मिल रही है इसे, और क्या ही चाहिए। और सीट बेल्ट वार्निंग लाइट्स मिल जाएगी आपको इसके अंदर, अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं तो 1 बार बीप करेगी, और 120 की स्पीड से चलाते हैं तो ये कंटिन्यूस बीप करेगी आपकी गाड़ी। तो सेफ्टी फीचर्स में तो यार टॉप ऑफ द लाइन समझो इसे यार, सेफ्टी में तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सेफ्टी दे दी है इस कार के अंदर। तो आप एक बार इसका बोनेट ओपन कर लेते हैं, इस कार का एक बार बोनेट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो एक बार आपको मैं लीवर और दिखा दूं, एक बार देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से इसका बोनेट ओपन हो जाता है, जो लीवर देख रहे हैं आप। बाकी एक बार इसके बोनेट की तरफ चल लेते हैं, एक बार हम बोनेट ओपन कर लेते हैं अब। तो यार एक हाथ में फ़ोन होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बोनेट ओपन करने में। ये जो है ना आपका 1.5 लीटर में पेट्रोल इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 148 BHP एंड 250 Nm का टॉर्क। ये कार आपको प्रोड्यूस करके दे देती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार इंजन इसका। ऊपर की साइड में इंसुलेशन नहीं मिलता इस कार के अंदर। बाकी अब इस कार के माइलेज की बात करें ना, तो इसके अंदर आपको 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है, कंपनी क्लेम करके देती है इस कार के अंदर आपको 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। बाकी सिटी की बात करूं तो 16 किलोमीटर पर लीटर आपको ये कार निकाल के दे देती है अच्छा खासा। तो यार आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने आपको क्रेटा से भी इसको कंपेयर करा थोड़ा बहुत, और सेल्टॉस से भी करा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये कार आपको पसंद है या फिर क्रेटा और सेल्टॉस पे आप जाना चाहेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।